मेरा नाम डॉक्टर क्षितिज चौधरी है और मैं स्पाइन सर्जन हूँ हिंदुजा हॉस्पिटल में। जून जो ये महीना है वो है स्कोलियोसिस अवेयरनेस मंथ और मैं आपको स्कोलियोसिस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। स्कोलियोसिस एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें बच्चे का स्पाइन इंस्टेड ऑफ बीइंग स्ट्रेट ऐसे कर्वेचर में डेवलप होता है, जिसकी वजह से आगे जाके बच्चे को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके लिए इसका जल्दी पता लगना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे को उसके बैक में आपको अगर नोटिस होता है कि उसके शोल्डर्स ऊपर नीचे है या कमर में लेफ़्ट और राइट में सेम नहीं है या उसका चलना कुछ बरोबर नहीं है या फिर उसके कपड़े बरोबर से बैठ नहीं रहे, तो वो ये स्कोलियोसिस की वजह से हो सकता है। अगर ऐसा आपको पता लग रहा है तो आपने डॉक्टर को मिलना चाहिए और डॉक्टर कभी इस प्रॉब्लम के लिए एक्सरे निकालेंगे और पता लगाएंगे कि ये स्कोलियोसिस है कि नहीं। अगर स्कोलियोसिस जल्दी डिटेक्ट होता है तो उसका इलाज अच्छी तरह से हो पाता है और आगे जाके प्रॉब्लम्स होने का चांस बच सकता है। सो अगर आपके बच्चे को स्कोलियोसिस डायग्नोज हुआ है एक्सरे पे या फिर आपको ऐसा लगता है कि उसकी पीठ का जो सिमेट्री है वो सही नहीं है या कर्व डेवलप हो रहा है, तो आप डॉक्टर को ज़रूर मिलिए। डॉक्टर आपको स्कोलियोसिस स्पेशलिस्ट को रेफ़र करेंगे जिसकी वजह से आपको सही ट्रीटमेंट मिल पाएगी।